नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कौर और आप सभी दोस्तों का शाकामी ट्रैक्टर सेल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे गैराज पर फार्मटेक 45 ट्रैक्टर आया हुआ है। उसमें दिक्कत आ रही है, इसके ब्रेक क्लियरली पूरे तरह से नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसके ब्रेक का जॉब करना पड़ेगा। इसके लिए इसके व्हील और एक्सल को खोलना पड़ेगा, फिर उसमें से लाइनर और एक्चुएटिंग प्लग निकालेंगे बाहर, फिर उसकी कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे क्या करना है। इसके ब्रेक लाइनर नए डालने पड़ेंगे या फिर एक्चुएटिंग प्लेट, या फिर कुछ और दिक्कत आई है तो हम इसका व्हील खोल रहे हैं। इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, आपको वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है दोस्तों, ये भी व्हील खुलने वाला है। फिर व्हील को खोल कर हम इसके एक्सल को बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये व्हील अभी खुल रहा है, आपको अच्छी तरह वीडियो में दिख रहा है, ये व्हील खुल चुका है दोस्तों। अभी हम इसका एक्सल निकालेंगे, फिर उसमें से एक्चुएटिंग प्लेट और लाइनर की कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ये दोस्तों, अभी ट्यूब से एक्सल निकालने का प्रोसेस चल रहा है। हमारे मिस्त्री जी राजमल जी अमेटा इसका प्रोसेस कर रहे हैं, आपको वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है। ये फार्मटेक 45 ट्रैक्टर है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ट्रैक्टर संबंधित जैसे ही आपको वीडियो अच्छी से दिखाते रहें, और हमारे वीडियो का लाइक ज़रूर करना। ये दोस्तों, एक्सल निकलने वाला है, बोल्ट सारे खुल चुके हैं इसके, ये वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है। इसको बाहर निकाला जा रहा है एक्सल को, ये देखिए दोस्तों निकल चुका है एक्सल। और अभी हम इसमें से देखेंगे लाइनर की क्या कंडीशन, इसको पूरा अभी क्लियरली देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, लाइनर और ये एक्सल बाहर निकल चुका है। ये एक साइड का लाइनर है, एक साइड का अंदर और लग रहा है, बीच में एक चोटिंग प्लेट है दोस्तों। ये दोस्तों, एक चोटिंग प्लेट निकल रही है, बाहर निकाल रहे हैं उसको। ये लाइनर है दोस्तों, इसकी बहुत सारा घिस चुका है और कंडीशन हार्ड है, शायद इसको चेंज करना पड़ सकता है। अभी पूरा क्लियरली पास में जाकर देखेंगे अपन क्या कंडीशन है। ब्रेक इसीलिए नहीं आ रहे थे, इसमें पानी भी चला गया था, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। ये देखिए घिस चुकी है बहुत, एक्चुएटिंग प्लेट लाइनर हार्ड हो गए थे इसीलिए ब्रेक नहीं आ रहा था। ये देखिए दोस्तों, बहुत हार्ड हो गए हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों लाइनर को। प्लेट की कंडीशन ठीक है, हम लाइनर को चेंज करेंगे और इसको अभी प्लेट को टर्न नहीं कराएंगे अपन, क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक लग रही है, सिर्फ अपन लाइनर ही चेंज करवाएंगे। ये दोस्तों, लाइनर दोनों सेट है, ये ईटो कंपनी के डालेंगे हम, फार्मटेक है। इसकी MRP है 524, ये आपको वीडियो में दिखाया गया है। ईटो कंपनी के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, कंपनी के ही डाल रहे हैं अपन। ये भी दोनों सेट डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये खोल के बताया गया है आपको, ये लाइनर है, ये अभी डालेंगे दोनों सेट, इसको लेथ मशीन पर भेजेंगे। और ये अभी एक्चुएटिंग प्लेट है, इनकी सर्विसिंग करेंगे अपन, एमरी पेपर से अच्छी तरह घिसेंगे इसको, ताकि ब्रेक अच्छी तरह से लगे। और इनकी स्प्रिंग और ये बॉल है, स्प्रिंग को चेंज करेंगे अपन, नई स्प्रिंग डालेंगे पूरी दोनों ही साइड की। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये घिसाई चल रही है एक्चुएटिंग प्लेट की, ताकि ब्रेक अच्छी तरह से आए, और सर्विसिंग बहुत ही अच्छी तरह से की जा रही है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक की सर्विसिंग की जाती है दोस्तों। ये देखिए, पूरी साफ़ सफाई से काम किया जाता है। ये देखिए, वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है, हमारे मिस्त्री जी ये इनकी घिसाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये एक्चुएटिंग प्लेट, ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक्सल की घिसाई भी की जा रही है, ताकि ब्रेक अच्छे से अच्छे आ सके, पूरी तरह सर्विस की जाती है दोस्तों। ये पूरे लगभग 4 से 5 घंटे का वर्क है, पूरा खोला जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये लाइनर, ये अभी पूरे सेट नए लाइनर, ब्रेक डिस्क में नए लाइनर डाले हैं हमने, वो आ चुके हैं लेथ मशीन से, लेथ मशीन पर गए थे ये डलवाने। ये देखिए दोस्तों, ये अभी हम इसमें नए लाइनर डालेंगे, पूरा सेट आ चुका है, हमने दोनों सेट लगा चुके हैं चारों प्लेटों में। अब इसकी भी हम सफाई करेंगे ट्यूब के अंदर।
ये देखिए दोस्तों कितनी मिट्टी है अंदर, ये सारी निकाली जा रही है ताकि ब्रेक में कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही अच्छी तरह से काम करे। ये देखिए इसको भी हम एमजे पेपर से घिसेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही साफ सफाई का काम है हमारा दोस्तों, और थोड़ा मेहनत का काम भी है, टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम हम अच्छी तरह से पूरा संतुष्टि से करते हैं ताकि ग्राहक को कोई दिक्कत ना हो। ये फार्म ट्रैक 45 ट्रैक्टर है जिसकी आज ब्रेक की सर्विस की जा रही है, वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल शकम ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों TVS की ब्रेक स्प्रिंग है जो हम नहीं डालेंगे अभी, ये देखिए वीडियो में दिख रहा है TVS कंपनी के डालेंगे अच्छी तरह। ये देखिए दोस्तों TVS, ये अभी पूरे सेट को डालेंगे अपन, खोल के बताएंगे। ये देखिए दोस्तों ये स्प्रिंग ब्रेक स्प्रिंग पूरा चेंज करेंगे ताकि सर्विस में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें हम नहीं डाल रहे हैं अभी। ब्रेक स्प्रिंग, ब्रेक लाइनर, ये देखिए दोस्तों ये आठवां ब्रेक स्प्रिंग है, इसमें डालेंगे ये लाइनर जो भी कंप्लीट होकर आए हैं, और ये ब्रेक स्प्रिंग। वीडियो में दोस्तों अच्छी तरह दिख रहा है, ये अभी एक्चुएटिंग प्लेट को नए ब्रेक स्प्रिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है और फिटिंग की जा रही है इनकी, इनको बहुत ही अच्छी तरह हमने एमरी पेपर से घिसा था और इसका मेला किटा सारा निकाला था और एकदम सही तरीके से एडजस्ट किया है इसको। ये अभी हम इसमें डालेंगे, ये सभी बॉल डाले जा रहे हैं एक्चुएटिंग प्लेट में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हम आपको ऐसे ही ट्रैक्टर से जुड़े सारे वीडियो बताते रहें और आगे भी जुड़े रहें। ये देखिए फिट हो चुकी है दोस्तों, एक साइड वाली एक्चुएटिंग प्लेट फिट हो चुकी है, ये अभी हम ट्रैक्टर में लगा देंगे, फिर दूसरे साइड का जॉब कंप्लीट करेंगे। एक साइड का कंप्लीट होने वाला है, व्हील में लगा देंगे हम। ये देखिए दोस्तों किस तरह ब्रेक स्प्रिंग को एक्चुएटिंग प्लेट से कनेक्ट किया जाता है, दोनों ही प्लेटें को कनेक्ट किया जाता है ब्रेक स्प्रिंग की सहायता से। TVS की ब्रेक स्प्रिंग है ये, बहुत ही चिप क्वालिटी की लगाई गई है ताकि कोई दिक्कत ना रहे, कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए ब्रेक लगाने में। हम पूरी सावधानी और संतुष्टि से कार्य करते हैं ताकि आगे कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए दोस्तों ब्रेक प्लेट और एक लाइनर सेट अंदर लगा चुके हैं, अब एक लाइनर और सेट इसके बाहर की तरफ और लगेगा। ब्रेक डिस्क जिस पर लाइनर लगा हुआ है, एक ब्रेक डिस्क अभी और लगाएंगे हम। ये दोस्तों ये अब इसके अंदर हम एक्सल को फिट करेंगे, पूरी तरह फिट हो जाएगा ताकि रिज़ल्ट हमको अच्छा मिले। बहुत ही सफाई से काम किया गया है, इसकी पूरी तरह सर्विस की जा चुकी है, जो वीडियो में आपको अच्छी तरह दिखाया है। ये एक्सल फिट हो चुका है दोस्तों, इसको अच्छी तरह फिट करके व्हील लगा दिया जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम फार्म ट्रैक 45 का ब्रेक का जो बताया था, ट्रैक्टर में ब्रेक पूरी तरह नहीं आ रहे थे इसलिए हमने इसका व्हील को खोला और इसका ब्रेक का जो किया, पूरे लाइनर चेंज किए, ब्रेक स्प्रिंग नहीं डाली। ये दूसरे साइड का भी हमने बता दिया है दोस्तों, दूसरे साइड का भी हमने फिट कर दिया है एक्सल को। फार्म ट्रैक 45 का ब्रेक का जॉब चल रहा है दोस्तों, ये व्हील फिट कर देंगे और हमारा जॉब कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी इसे ट्रैक्टर संबंधित वीडियो आपको दिखाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ये आज फार्म ट्रैक 45 का ब्रेक का जॉब था जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आगे के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।